आगे हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में जो एक्स डीजीपी तमिलनाडु के हैं मिस्टर बीके रवि सर, उनसे भी हम कहेंगे कि केवल दो शब्दों में हमारे बच्चों को संबोधन करके अपनी वाणी को विराम दें। आइए हम लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आपके जैसा हमारे जैसा गांव से निकल करके और उन्होंने आज डीजीपी रैंक तक पहुंचे, देश की सेवा किए और हमारे बीच में भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उनको स्वागत किया जाए तालियों के साथ में। मंच पर आसीन जयबा कुमार साहब, माननीय मंत्रीगण जमा खान साहब, गौतम साहब, मेरे मित्र मिन्नत और तमाम बैठे हुए हाजरीन, दोस्तों, भाइयों और बहनों, यहाँ आने की खबर मुझे कल दी गई थी और आज मैं आपके साथ यहाँ हूँ। मैं ज़्यादा वक्त आप लोग का लूँगा नहीं, सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेटिस्फैक्शन और सक्सेस, सफलता जो होती है वो दूसरे लोग निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सक्सेस इज ऑलवेज क्वांटिफाइड बाय अदर्स, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको अपने अंदर से आती है। इस प्रदेश में इस तरह का स्कूल मैंने ये नहीं सोचा था कभी भी कि तमिलनाडु के कोई आदमी यहाँ पर आ करके पिछले 50 सालों से जो उन्होंने काम किया है, ये मेरे लिए एक जो है न्यूज़ की बात है, ये एक खबर है, ये एक समाचार रहा कि यहाँ पर भी एक छोटा सा तमिलनाडु रोहतास ज़िले के डेरी ऑनसोन में है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, आप सबको शुभकामनाएँ, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और एक दिन हम भी इस देश का फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, आने वाले दिनों में हम भी एक दिन इस देश को संवारने का काम करेंगे।